तू आज तक डोरेमोन की बहुत सारी मूवीज आ चुकी हैं और हर मूवी के अंदर हमें न्यू कैरेक्टर्स दिखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। लेकिन डोरेमोन के अंदर हमें कई बार कुछ ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स देखने को मिले जिसके बारे में आज तक नहीं पता लग पाया कि ये लोग एक्चुअली हैं कौन, जो कि डोरेमोन में हमें नजर आए। तो आज हम ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हैं। और इसके अलावा Q&A का मैंने कहा था और बीच में 20+ डेज के लिए मैं वीडियो नहीं डाली बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो Q&A का वीडियो भी कर लेंगे। फिलहाल मैं सोचा ये वीडियो बनाना चाहिए, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारे पास आता है तोरीहो। अब तोरीहो जो है वो डोरेमोन का सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर है जो कि मिस्टीरियस है। तो ये बंदा इतना ज्यादा मिस्टीरियस इसलिए है, बंदा उल्लू जो भी है, ये इतना ज्यादा मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि डोरेमोन का गैजेट है जिसके अंदर अगर हम लोग कोई भी कैसेट डालते हैं तो वो कैसेट हमें सपनों के अंदर दिखती है और ये बंदा उसी एक कैसेट का कैरेक्टर है। तो बात यह आती है कि ख्वाब से असल दुनिया में कैसे आ गया, ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्वड है कि ये असल दुनिया में कैसे आया। और इसके अलावा इसकी सब हरकतों की वजह से नोबिता का स्कूल भी एंड में तुम लोग देख सकते हो इस तरह से चेंज हो जाता है। अब ये कैरेक्टर बहुत मिस्टीरियस है कि आखिर ये गेम से बाहर कैसे आया, क्या ये कोई फ्यूचर से आया हुआ बंदा है या फिर कोई भूत है या ये कौन है और इसका मकसद क्या था ये सब करने में, ये तो खैर आज भी एक मिस्ट्री है। बट इसकी मिस्ट्री सॉल्व करने की मैं ट्राई की जो कि तुम लोग ये वाली वीडियो में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को लिंक मिल जाएगा। नंबर 2 पिप्पो एंड रियोरु। अब देखो ये दोनों कैरेक्टर्स मिस्टीरियस इसलिए हैं क्योंकि मूवी के एंड में हमें ये दोनों इस तरह से दिखे थे। अब हमें नहीं पता कि ये दोनों पिप्पो और रियोरु हैं या कोई और है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल ये बात है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हैं बिकॉज अभी तक किसी को ये चीज नहीं पता कि एक्चुअली में वो पिप्पो और रियोरु थे या कोई और थे या फिर वो नोबिता की इमेजिनेशन थी। ये मूवी को काफी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से एंड किया गया और स्टील ट्रप्स 2 अभी तक नहीं आई है, तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आखिर ये एंड पे क्या हुआ, इसीलिए इन दोनों को मैंने इस लिस्ट में ऐड कर लिया है। नंबर 3 गोस्ट शिप। अब डोरेमोन की मूवी है जिसके अंदर हम लोग को ये शिप जो है वो चलती हुई दिखाई देती है और इस शिप के अंदर कोई भी इंसान नहीं होता और दैट मीन्स कि ये शिप जो है वो खुद ही घूम रही है। इस शिप के बारे में हमें एंड तक कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, बीच में ये बात हुई थी कि ये शिप हो सकता है किसी भूत की हो जो कि इसको चला रहा है। खैर ये तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस सीन है कि मतलब ऑब्वियसली अगर एक इंसान नहीं है और बोट खुद ही से घूम रही है और इस चीज के बारे में एंड तक हमें कुछ भी नहीं बताया गया, तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 4 ये वाला भूत जो भी है। तो ये एपिसोड डोरेमोन का आई थिंक मोस्ट फेमस एपिसोड होगा जिसको सबने देख रखा है। इस एपिसोड के अंदर एक चोर होता है जो कि भूत बन के पूरे घर में घूमता है और सबको डराता है, लेकिन जब नोबिता वगैरह को पता चल जाता है कि वो एक चोर है ना कि भूत, तो वो उसको पकड़वा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि एंड पे हम लोग को ये इंसान दिखाया जाता है जो कि बाद में स्केलेटन में चेंज हो जाता है, दैट मींस कि ये इंसान एक भूत है। ऑफ कोर्स डोरेमोन कैरेक्टर हमें यही दिखाना चाहते थे, लेकिन ये भूत यहाँ पे क्या कर रहा है और अगर ये यहाँ पे है तो इसने उस चोर को अभी तक क्यों नहीं मारा, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई और ये डोरेमोन की पूरी हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इसके बाद आता है ये जो कि कीबो को हेल्प करता है। देखो एक्चुअली हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये इंसान कौन है, मतलब ये इंसान भी है कि नहीं, ये कहाँ से आया है और यहाँ पे क्या कर रहा है। इवन कि जहाँ पे ये रहता है वहाँ के लोगों को भी नहीं पता कि ये कौन है और इसकी आई डोरेमोन जितनी है तो सबको लगता है कि ये डोरेमोन है जो कि क्या पता फ्यूचर से आ गया हो पास में हेल्प करने के लिए। लेकिन ये जो भी है ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि ना ही ऑडियंस को और ना ही मूवी के अंदर कैरेक्टर्स को पता है कि ये कहाँ से आया है और ये है कौन और ये क्यों डोरेमोन वगैरह की हेल्प कर रहा है। इसके बाद आता है सीड सोवर। अब ये जो है बेसिकली एक एंजल दिखाया गया डोरेमोन की मूवी गोल गोल गोलमाल के अंदर और ये कहता है कि इसने मार्स और अर्थ दोनों में कुछ बीज बोए थे जिसमें से मार्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन अर्थ के ऊपर अभी भी लोग रह रहे हैं। और नोबिता जब इससे पूछता है कि कौन है तो ये कहता है कि तुम मुझे एंजल बुला सकते हो। अब ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है कि ये आखिर है कौन जो कि नोबिता से बात कर रहा है और ये बात ही कैसे कह सकता है कि इसने मार्स और अर्थ पे ये सब किया है, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। अगर तुम लोग को और भी मिस्टीरियस कैरेक्टर पता है कमेंट सेक्शन में बताओ, Q&A की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा और बहुत सारी अलग अलग वीडियो, तुम लोग अपने आइडियाज भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आज की वीडियो लेते हैं, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।